हुआ क्या था बेटा, क्या हुआ था? कि यही सुबह गया था घर से मामा से मिलकर, तो शाम को आया, मामा ढूंढ रही थी तो मामा कहती बेटा कहाँ गए थे, मैं मामा यहाँ पर ही था, तो गाली निकालने लग गई, तो मामा के साथ मैं प्यार से मामा के कंधे पे हाथ रखा, तो मामा से कहा मामा आज के बाद नहीं जाऊंगा घर के आऊँ, तो वो जो सा मैंने रखा हुआ था पिस्तौल लाकर वो ही उठाया तो बाहर जाने लगा था, तो मामा ने रोका, मामा कहती बेटा इसे घर रख दो, तो ये अच्छा नहीं है पिस्तौल, इसे घर पे ही रख दो अगर है तो। मैं कहा मामा बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, तो उन्होंने इतनी के पास में बाहर जाने लगा उनके उनके मना करने के बाद भी, तो उन्होंने हाथ से खींच लिया, तो मैं वहाँ पर ही मामा मामा प्लीज इसे दे दें, तो मैं अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा, कहती नहीं कि अपनी तरफ करके कहती कि तुम बताओ मुझे कि तुमने ये काम से मुड़ना है कि नहीं। मैंने कहा मामा आज के बाद नहीं करूँगा, दे दो मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ, तो बस इसी पास उनसे खींचने लगा हूँ तो ऊपर हाथ आया, तो साथ में उनके उनके पास आया था, तो उनके उन्होंने भी एकदम खींचा तो वहाँ उसी हादसे में गोली चल गई है। अच्छा मेरा बेटा, बड़ी अच्छी बात की आपने, अचानक गोली चल गई है। मुझे एक चीज बताओ, कितनी देर पहले ट्रेनिंग ली थी आपने पिस्टल चलाने की? ट्रेनिंग नहीं सर जी, लोगों को देख देख कर ही। अच्छा, गोली चल गई है, लोगों को किसको देख के, किस से पिस्टल लिया था? कि वो ही जो उनसे गली के लड़के आए थे। गली के लड़कों से पिस्टल लिया था? कि वो जो उनसे जो हाँ। आपको बताया। गोली कितनी बार चलाई जिंदगी में, हवाई फायरिंग कितनी बार की? एक या दो बार। एक या दो मरतबा। पिस्टल की गोली कैसे चलती है जरा बताओ देखने वालों को, पता लगे आप कितना सच बोल रहे हो कितना झूठ बोल रहे हैं। पिस्टल की गोली किस तरह चलती है, किसी भी पिस्टल की गोली कैसे चलती है, क्या करना पड़ता है उससे पहले, गोली चलाने से पहले क्या करना पड़ता है? आपकी तो मामा ने अचानक गोली चला ली ना, खींचते खींचते अपने आप को मार ली, आपके बकौल कैसे मार ली उन्होंने? वो आर्मी से रिटायर्ड थी, पंजाब पुलिस में थी मामा, कैसे चला ली पिस्टल, कैसे चलती है? पिस्टल ऐसे घोड़ा दबाओ तो चल जाती, क्या करना पड़ता है उसके लिए बताओ, जवाब भी दो ना साथ साथ। कि वही जो पीछे के होता है ट्रिगर वो लगा होता है, हाँ। उसे नीचे करो तो के ऊपर से ऊपर आगे पीछे करो तो घोड़ा दबाओ तो चलता है। हाँ, माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं, आपको समझदार, क्योंकि हवाई फायरिंग भी की हुई है। अब मुझे बताएं कि अचानक गोली कैसे चली, उसको आपने लोड किया होगा तो चली है ना? वही ना, के बात सुने आपके, मैंने दो चार दिन पहले फायर किए थे ना, हाँ? तो वो अड़ जाता था, तो इसलिए मैंने खोल कर नहीं देखा कि क्या मसला, वो मैंने वैसे ही थोड़ी सी मैगजीन नीचे की है तो मैंने वैसे ही करके तो वैसे ही रख दिया, तो मैं निकलने लगा। गोली मुंह में रखी हुई? गोली मुंह में रखी। मतलब कितनी बड़ी दुश्मनी आपकी, गोली मुंह में रख के आप घूम रहे? नहीं नहीं, पुलिस में हो आप? नहीं, किसी फोर्स में हो जो मुंह में गोली रखी हुई है, आप सामना हो सकता है दहशत गर्दों का? सर जी बात में के गोली मुंह में नहीं थी, कि मुझे पता नहीं था कि मैंने फायर किया ना उस दिन, तो गोली भी पिस्तौल अड़ गया, तो मैंने वैसे ही मैंने कहा कि खत्म हो जाए तो फिर पीछे को चला, मैंने वैसे ही थोड़ी सी मैगजीन नीचे की है तो वैसे ही चैम्बर के चैम्बर मारा तो वैसे ही मैंने वो सीधा हुआ पिस्तौल, तो वैसे ही मैगजीन वहां पर एक मैगजीन पूरी चेक नहीं की तो वैसे ही नीचे जाके रख दिया, तो दो तीन दिन बाद ये वाकया हुआ। अच्छा अच्छा, मतलब गोली मुंह में रख दी ऐसे ही, तो उसे अगर पीछे खींचते तो वो गोली ऐसे करके बाहर आनी थी, ऐसे करना था ट्रक बाहर आनी थी, उससे खींचना था ना पीछे, तो गोलियां बाहर निकल आनी थी, वो सारी उसमें थी, तो नीचे से उसको मैगजीन को लैदा कर लेते। मैगजीन नहीं ना मैंने निकाली, हाँ। कि मैगजीन साथ ही लगी थी, वैसे ही ऊपर से नीचे। देसी पिस्तौल था ये सर जी? नहीं पता। पिस्तौल कौन सा था, 30 बोर का? जी। कितने पैसे, 10,000 का लिया था जी? गोलियां कितनी थी पिस्तौल में? जब उस दिन फायर किए थे 5 थी, पता नहीं कहाँ पे किए थे वो फायर। छत पर अपनी? हाँ जी। कितनी गोलियां चलाई? 3 या 4 इतनी चलाई थी। 3 या 4 चलाई, तो कितनी बाकी रह गई? 5 थी, तो एक बची। एक बची जी। वो माँ को मारी? मारी नहीं सर जी, के चल गई है वो चल गई। अच्छा वो चल गई है, ठीक है, वो चल गई। उसके बाद क्या हुआ, जब गोली चल गई उसके बाद क्या हुआ?
मैंने माँ को लग गई गोली, तो क्या होगा उसके बाद? उसी टाइम मैंने देखा मामा को पकड़ा, तो साथ में मैंने 112 को कॉल किया खुद जी। अच्छा 15 को पर कॉल किया। अच्छा तो इनके पास ही रहा हूँ, इनके साथ ही आया हूँ, कोई भागा नहीं, वहाँ पर ही रहा हूँ। कहाँ पे हॉस्पिटल कहाँ पे लेके गए माँ को? वो नहीं सर पता कि उतनी देर में जब मामा घर पे थी तो यहाँ पर मुझे लेके आ गए थे। अच्छा मामा जिंदा थी तब? पता नहीं सर, उसी टाइम के 112 पर कॉल किया। हाँ, तो 112 आपको इधर ले आई? नहीं, पुलिस भी आई थी उसी टाइम। अच्छा, कॉल की तो कितनी देर बाद आई थी पुलिस? अगर 5 मिनट लगे होंगे, इतनी देर में थी। अच्छा तो लेकर यहाँ पर आए तो वो डेड बॉडी ले गए जी, 112 वाले। अच्छा अब ये कारनामा सर अंजाम दिया आपने अपनी माँ को कत्ल करने के बाद, क्या अब ऐसे जैसे आपको लेके उन्होंने बच्चों जैसी परवरिश की, क्या उसकी यही सजा बनती थी माँ की? नहीं बनती थी ना। अच्छा ये बताओ कि कोई यादगार वाकया, कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो, जो माँ के साथ गुजरा हुआ कोई वक्त याद है, कोई याद है? माँ के साथ सारा टाइम ही अच्छा गुजरा है, तो माँ प्यार करती रही है, प्यार करती रही है, उसका नतीजा ये निकाला है। बताओ अब क्या है तुम्हारी अपील, क्या है, क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? जुर्म अपनी सजा तजवीज करो खुद, जो तुमने कर दिया है अपनी माँ के साथ, क्या सजा होनी चाहिए तुम्हें वो बताओ। यही कि मुझे सिर्फ एक बारी मेरे पापा आके माफ कर दें, तो मैं दोबारा इस तरह कि दोबारा कभी पापा को भी दुख नहीं दूंगा, कि अपने पापा के सहारा बन के रहूंगा, पापा मुझसे मिलने आए, सिर्फ एक बारी मैं पापा के पाँव वगैरह बांट दूंगा, हर चीज पापा जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा, मेहनत मजदूरी करके पापा का साथ दूंगा, कभी अब इस तरह की कभी किसी की सोहबत में नहीं बैठूंगा। अच्छा बस अब अभी माफी मांगते हो तुम, सजा नहीं तुम्हें कबूल, कोई भी सजा नहीं होनी चाहिए तुम्हें, हैं? बताओ ना, हाँ या ना, सजा नहीं होनी चाहिए, मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए ऐसा, मौका मिलना चाहिए आपको, क्या सजा होनी चाहिए बताओ। सर जी एक बड़ी पापा से माफ कर दें, तो मैं दोबारा कोई इस तरह का कभी इस तरह की सोबत में भी नहीं। अच्छा वो माफ कर देते हैं, वो किस हैसियत से करें? उसकी भी उनकी बीवी को आपने कत्ल किया है, उनके बकौल उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया कत्ल का आप पे, अब वो माफ कर देते हैं, आप उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं, फिर आप उनको कत्ल कर देंगे? सर जी वही कह रहा हूँ कि मैं कभी अपने पापा को के चारपाई से नहीं उठने दूंगा, कि पापा आप उठ के काम करो, मैं जो करूँगा मेहनत करके पापा के हाथ में रखूंगा, कभी पापा को अपने चारपाई से उठ के ये नहीं कहूँगा कि खुद पानी पी लेंगे, सारा कुछ खुद ही मैं करके पापा को दूंगा, अब जो सुख पापा को दूंगा वही अब इस जिंदगी में मुझे, मेरा इतना गुनाह है कि मैं ये पापा के जितने पापा से माफ़ी वगैरह भी मांग लूँ भी, ये भी काम है, अब जितना मैं कर सकता हूँ माँ के लिए पापा के लिए वो काम है सारा। अच्छा जब से माँ मरी है यहाँ पे गिरफ्तार हो, कितने दिन माँ याद आई? अभी तक माँ का दुख नहीं भूल रहा, कि माँ जितना प्यार करती थी, माँ रात को सुलाती थी अपने सहा के बेटा सो जो टाइम हो गया सारा कुछ। चलो तुमने तुमसे हो गई गलती, गोली अचानक चल गई, माँ चली गई इस दुनिया से, माँ के लिए क्या किया यहाँ पे बैठ के, थाने में बैठ के कोई नमाज पढ़ते हो तुम? जी जितनी सर जी के सुबह उठूँ तो अगर नमाज पढ़ूँ तो माँ के लिए, नहीं तो जितनी देर भी यहाँ पर बैठा हूँ दुरूद शरीफ पढ़ के सारी सूरतें वगैरह पढ़ के अपनी माँ के लिए यही दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह मियाँ मेरी माँ को जन्नत फिरदौस में जगह नसीब करे, जब जितनी देर भी बैठा हूँ पढ़ के जहाँ पर के लड़के ना हो तो दुरूद शरीफ पढ़ के माँ के लिए दुआ ही मांगता हूँ। नमाज पढ़ते कि कल मैंने जोहर की पढ़ी है और परसों मैंने फजर की पढ़ी है, आपके साथ नमाज के बारे में क्यों जुड़ा, अभी इंशाल्लाह सुबह भी अभी भी उठूंगा, ये सुबह उठूंगा, सुबह पहले सबसे उठ के टाइम पर फजर की नमाज पढ़ के दुरूशी पढ़ के अपनी माँ के लिए सबसे पहले दुआ करूंगा, फिर अपने पापा के लिए दुआ करूंगा कि पापा को